नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। मैं प्रिया। इस बार बिहार विधानमंडल का सत्र बदला बदला सा नजर आएगा। कोरोना काल में होने वाला सीट सत्र अलग सा इस मायने में होगा कि विधान परिषद का सत्र विधान परिषद के हाल में नहीं होगा। इसी तरह विधानसभा का सत्र विधानसभा के हॉल में नहीं होगा, यानी कि जो पहले से है जगह तय है, उन जगहों पर विधानसभा और विधान परिषद की सभाएं नहीं होगी। विधान परिषद की कार्यवाही विधानसभा वाले हॉल में की जाएगी और विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा के विस्तारित भवन में आयोजित होगी। इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना काल को देखते हुए यह अहम फैसला विधानमंडल में लिया गया है। इस दौरान सभी सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठेंगे। इससे पहले भी कोरोना काल में विधानमंडल की कार्यवाही एक दिन के लिए पटना के ज्ञान भवन में आयोजित हुई ताकि सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठ सके। 23 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में 23 और 24 नवंबर को नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। वहीं 25 नवंबर को राज्यपाल का संयुक्त अभिभाषण होगा। 26 और 27 नवंबर को ही सिर्फ विधान परिषद की कार्यवाही आयोजित होगी, यानी विधानसभा की कार्यवाही तो 5 दिनों की ही होगी, लेकिन विधान परिषद की कार्यवाही मात्र 2 दिनों की ही होगी। नवगठित नीतीश मंत्रिमंडल का यह पहला विधानसभा सत्र होगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।